सबसे घर ना गांव में होते हैं। डुगू और तमन्ना ने तो ओढ़ ली छतरी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो कैसा आप सब? तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है कोटद्वार से, मेरी मौसी के घर से। तो अभी हम सब जा रहे हैं सैलून बाल कटवाने के लिए, क्योंकि ना मेरे को अपने बाल कटाने हैं, मम्मी को भी कटाने हैं और माही को भी कटाने हैं। बाल कटाएंगे और मेरे को ना कर्टेन बैंग कराने हैं। तो देखते हैं अब कैसे कैसे कराती हूँ मैं, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो चलो, तो आप चलते हैं, सब तैयार हो गए। इतनी तेज धूप में ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, पर फिर ना हमें शाम को ना छोटी बहन के घर जाना है, कल भी नहीं गए हम, तो हमने सोचा कि आराम से ना शाम को जाएंगे। बंद कर दी गए सब हुए थे केवल दाल। हाँ, बच्चे तो भाग गए आगे, बच्चों को तो बस भागने की हो रखी है, इन्हें नहीं लगती धूप। क्या बाजार में बहुत सारे आम लगे हुए हैं पेड़ों पे, ये देखो झुंडे के झुंडे लगे हुए हैं आमों के। ये दोनों तो देखो पहले आगे भाग गए, इन्हें बस फोन चाहिए और कुछ चीज से मतलब नहीं है। डुगू और तमन्ना ने तो ओढ़ ली छतरी, ये देखो। तो ये है कोटद्वार की गलियां। अभी ना हम शॉर्टकट जा रहे हैं, इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, देख लिया मैंने, ये देखना ये तो बड़ा पेड़ है आम का, इस पर तो बड़े बड़े आम लगे हुए हैं, छाई भी आ रखी है अच्छी। यहाँ पर ना सेम गांव की तरह घर है, ऐसे घर ना गांव में होते हैं, कोटद्वार में भी है, गाय भी है यहाँ पर। कि जब आगे चले जा रहे हैं ना तो ये फिर पीछे आ जा रहे हैं हमें ढूंढने के लिए, क्योंकि इन्हें भागने की हो रखी है दोनों को, कोई धूप नहीं लग रही उन्हें। ये तो ऐसे शॉर्ट कर ले जा रही है ना हमें, इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे, धूप भी कम लगेगी। ये देखो कटहल का पेड़, और ये है लीची का पेड़। बहुत पेड़ पौधे हैं तो इसकी वजह से इधर छाए भी आ रखी है, जहाँ पर पेड़ पौधे वहाँ पर तो ठंडी लग रही है। कहाँ ना वो रोड हम पहुँच गए, फारा सबसे कोमल हमारे साथ है, दोनों के दोनों हैं जो छतरी के नीचे हैं, इन्हें ज़्यादा धूप लग रही है। डुगू ने बोला जैसे तमन्ना दीदी के बाल बांध रखे ना मेरे भी वैसे ही बांधो। ये देखो ये वापस भी आ गई। अब पहुँच गए हम मेन रोड में। इसने तो ऐसी ले रखी है चुन्नी ना, जैसे पूस के महीने में ना सॉल लेते हैं ना, वैसे ले रखी है पूस ही ना। इनको प्यास लग गई। तो आदि का नंबर तो आ गया, सबसे पहले आदि के कटाएंगे बाल, है ना आदि? कैसे काटने हैं? और उसके बाद काना के, और फिर तमन्ना के। जब तमन्ना के अच्छे कटेंगे तो तब मैं भी कटाऊंगी, हैं? मौसी नहीं कटाए, इनको तो धूप लग गई। तमन्ना का हो रखा है मेरे बाल काटो, मेरे बाल काटो। माई तूने भी कटाने हैं? माई बोल दिया मेरे भी काटने हैं। चोल दान नहीं आ रहे माई के बीच के। आदि को पहना दिया उन्होंने साल दराज। और काना का नंबर भी आ गया। आप आने तेरे को कैसे भी काट दो बाल, आगे ना वैसे बाल छोटे ही है, पर उसकी मम्मी बोल रही है साफ कर दो बाल। इसके ना थोड़ा खड़े बाल है ना, समझ में नहीं आ रहे इसके बालों को, कोई पहना दिया उन्होंने पट्टा। काना के ना बाल ना बिल्कुल खड़े हैं, मैं भैया को बोल रही हूँ कोई ऐसा शैम्पू बताओ जो जरे बाल नीचे हो जाए। बाल कट गए पर ये बोल रहा है बल कट लगाओ, इसे ना कट लगाने का बड़ा शौक है। तो अब लग गया आदि का कट, अब तू यहाँ से हट, है ना? काने का तो ऐसे लग रहा है जैसे काली मेहंदी लगा रखी होगी, इतने काले बाल है इसके। और इधर तमन्ना के भी हो गए शुरू।
सबसे पहले बाल धोएंगे। डुगू भी देख रही है तमन्ना, इसका मन भी कर रहा है बाल कटाने का। आधी के तो कट गए बाल, ये देखो लग गई बाल की टुकड़ी। मेरी बहन बोल रही हिम्मत चाहिए इतने बाल काटने के लिए। अभी तमन्ना का नंबर अभी नहीं आया, कान आके कटने वाले हैं बस। एक थुपड़ बाल उठ गया। इनको बढ़ाने में कितना टाइम लगता है और काटने में देखना, 5-10 मिनट बढ़ाने के लिए इतने सारे शैम्पू चाहिए, काटने के लिए बस एक कैंची। चले गए बाहर। हाय तेरी रुमाल गुलाबी मुखड़ी के भली छजी रे नाक के न थूली, के भली छजी रे नाक के न थूली। हाय तेरी रुमाल सानी ले गागारी मखमली अंगनी, सानी ले गागारी मखमली अंगनी, के भली छजी रे रंगीली पिछोड़ी, के भली छजी रे रंगीली पिछोड़ी। तो आप पहुंच गए हम घर में, तो चलो अब खाना खाते हैं। खाना भी बन गया और उसके बाद जाना है छोटी बहन के घर। मतलब मैं एक ही बार खाती हूँ, बार बार खाऊंगी तो पछता नहीं है। खीरा खा लिया दादी बोल रही थी कि हमारे शादी ना 10-11 साल में हो गई थी। हाँ तो चलो अब खाते हैं। दादी तो खा नहीं रही, दादी ने बोला मैंने खा लिया, अब नहीं खा रही मैं। तो अब हमने खाना तो खा लिया है, आप थोड़ा सा ना आराम करते हैं और दादी की थोड़ी बातें सुनते हैं। यहाँ पर दादी बैठ रखी है। ये मकान ना दादी और का ही है, खाने और यहाँ पर किराए पर रहते हैं। तमन्ना डुगू तो ना पता नहीं किचन में क्या करते रहते हैं। देखना आप बर्फ लेके आ रहे, उधर ले जाते हैं ना, यहाँ पर ले आ रही। कभी कुछ बना रहे कभी कुछ बना रहे, सोना नहीं है इन्हें, है ना, उल्टा काम करना चाहिए ना उल्टे काम गिरे। तो चलो तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मौसी के घर का व्लॉग ना आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना, तो बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वाला हेयर कट पसंद आया या नहीं। मेरे को तो सही लग रहा है, मेरे को पहले मैंने यूट्यूब में देखा ना, उसके बाद मैंने कराया। बाय बाय, टेक केयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। Bye.